आज हम भारत के विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी कला को जानेंगे और उनकी संस्कृति का लुफ्त उठाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ सिन्हा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मैं अपने दोस्त का उसके घर के बाहर इंतजार करते हुए। One eternity later. Finally, हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। हम जा रहे हैं टाटा नगर के बिष्टुपुर एरिया में। तो ये हम पहुंच गए हैं गोपाल मैदान बिष्टुपुर, जहां हम संवाद का लुफ्त उठाएंगे। यहां प्रवेश करते साथ ही मुझे भगवान बिरसा मुंडा का यह स्तंभ दिखाई देता है, जिसे प्रणाम करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इस पूरे कार्यक्रम को चार भाग में विभाजित किया गया है। आदिवासी औषधि, आदिवासी व्यंजन, आदिवासी हस्तशिल्प कला एवं आदिवासी लोक नृत्य और संगीत। औषधि के स्टॉल्स में लोग अपने पारंपरिक दवाइयों के बारे में बता रहे थे और उनके गुणों की व्याख्या कर रहे थे। यहाँ से आगे बढ़ते ही मुझे यह मॉडल दिखाई दिया, जहाँ नक्षत्र वन को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया। के आगे विभिन्न आदिवासी समाज के पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लगे हुए थे। तो अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी और पारंपरिक नृत्य की तैयारियां तेज होने लगी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आदिवासी हस्तशिल्प कला का आनंद उठाते हैं। इन ढोल को देखकर मुझे मेरे दोस्त की याद आती है और मैं देखता हूँ कि वो मेरे साथ नहीं है। कुछ भी फाइनली मिल गया है। कहाँ थे आप? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। अब चलिए आगे के स्टॉल्स भी देख लेते हैं।
अब समय है आदिवासी लोक नृत्य का आनंद लेने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है बहुत ही मधुर राजस्थानी स्वागत गीत से। गीत के बाद हमने अलग अलग प्रांतों से आए आदिवासियों के लोक नृत्य का आनंद उठाया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जहां मैंने संवाद 2022 का संक्षिप्त विवरण आपको दिया। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजा आया।